दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम पंद्रह बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आज की सबसे पहली खबर कोरोना केस बढ़ते बिहार में बड़ी शक्ति बिना मास्क घर से निकले तो देना होगा जुर्माना अस्पतालों में नहीं मिलेगी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है बिना मास्क के पकड़े जाने पर पचास रुपये जुर्माना देना होगा गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा वहीं बगैर मास्क पकड़े जाने पर दुकान सील होगी और ग्राहक पर भी जुर्माना लगेगा। सोमवार यानी आज से शहर के मोराहे सड़क सब्जी मंडी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन आदि पर जांच की जाएगी इसके लिए प्रशासन ने 10 टीमों का गठन किया है शनिवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी किया है बड़ी खबर पटना में आठवीं तक के स्कूल आठ जनवरी तक बंद डीएम ने दिया आदेश बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना जिले में आज से बंद रहेंगे स्कूल जी पटना के स्कूलों में ठंड की वजह से छुट्टी कर दी गई है पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करके कहा है कि अब आठवीं तक के स्कूल आठ जनवरी तक बंद रहेंगे यह आदेश पटना जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल आरोप लागू होगा पटना डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है इस वजह से आठवीं तक के बच्चों का स्कूल आठ जनवरी तक बंद रहेगा वही अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर प्रशासन का बड़ा फैसला स्कूलों को बंद करने का जारी किया आदेश जी हाँ तापमान में हो रही लगातार गिरावट से मुजफ्फरपुर जिले में भी काफी ठंड बढ़ गई है बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के एक से आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय को तीन जनवरी से आठ जनवरी 2022 तक बंद करने का निर्देश जारी किया है मुजफ्फरपुर डीएम प्रणव कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश में यह साफ कहा गया है कि बढ़ते ठंड और शीतल को देखते हुए फैसला लिया गया है बच्चों की सेहत पर शीत लहर के कारण बुरा असर पड़ सकता है इसीलिए आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर जिले में स्कूल बंद रहेंगे अगली बड़ी खबर बिहार में नहीं थम रही है कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बिहार में कोरोना के तीन नए मामले मिले एक्टिव केस हुआ एक हजार चौहत्तर कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है साल के पहले दिन कोरोना के मामले बिहार में फिर से बढ़ गए हैं कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के तीन सौ नए मामले सामने आए हैं वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब एक हो गई है सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं पटना में एक कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं वहीं गया में 110 नए मरीज मिले हैं कोरोना के मामले बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं बिहार के अन्य जिलों के आंकड़े पर यदि गौर करें तो पिछले 24 घंटे में पटना में 142, गया में 110, बांका में चार औरंगाबाद में चार नए संक्रमित मिले हैं वहीं बेगूसराय में एक भागलपुर में तीन भोजपुर में दो दरभंगा में दो गोपालगंज में एक जमुई में छः जहानाबाद में तेरह कैमूर में एक खगड़िया में छः किशनगंज में एक लखीसराय में सात मधुबनी में दो मुंगेर में तेरह मुजफ्फरपुर में पाँच नालंदा और नवादा में दो दो पूर्णिया में भी दो सहरसा में पाँच समस्तीपुर में चार सारण में तीन सीतामढ़ी में एक सीवान में दो सुपौल में एक वैशाली में तीन पश्चिमी चंपारण में दो और दूसरे प्रदेश से आए दो लोगों की रिपोर्ट संक्रमित मिली है अगली बड़ी खबर आई के कॉन्फ्रेंस में शामिल सत्रह डॉक्टर संक्रमित सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन की जा रही है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कोरोना संक्रमण के मामले में एक अहम खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आई के जिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था उसमें शामिल सत्रह डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री काफी देर तक रुके थे और अपने भाषण में तीसरी लहर के खतरे की ओर इशारा किया था पॉजिटिव रिपोर्ट वाले सभी डॉक्टर नालंदा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य महकमे में हड़कम मच गया है चर्चा हो रही कि मुख्यमंत्री उन डॉक्टर्स के संपर्क में आए थे अथवा नहीं इसे देखते हुए संक्रमित डॉक्टर की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है जानकारी के मुताबिक रजन टेस्ट में इन्हें पॉजिटिव पाया गया है आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आना अभी बाकी है अगली बड़ी खबर बिहार में जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट सीएम नीतीश के निर्देश के बाद कल से आईजीएमएस में शुरू हुई जांच जी हाँ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है अब ओमिक्रॉन के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए ज्यादा पॉजिटिव मरीज के सैंपल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद आईजीआईएमएस में यह जांच कल से शुरू हो गई है इसके लिए सबसे पहले 25 सैंपल की सीक्वेंसिंग शुरू हुई है अब सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी इससे पहले सैंपल पटना से दिल्ली के लिए एन लैब में भेजा जा रहा था बड़ी खबर अब एक कॉल पर कोरोना जांच टीम पहुंचेगी घर पटना में कोरोना की जांच के लिए 10 मोबाइल टीम तैयार चलते फिरते होगी जांच पटना में अब एक कॉल पर कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेने टीम घर पहुंच जाएगी पटना में प्रशासन ऐसे ही तैयारी की है ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है टेस्टिंग और ट्रैकिंग में इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है पटना से लेकर राज्य के अन्य जिलों में टेस्टिंग के लिए टीम बढ़ाई जा रही है मोबाइल टीम से ही कोरोना को डिटेक्ट कर मरीज को समय से आइसोलेट किया जाएगा बड़ी खबर आई में शुरू होगी बच्चों की कोरोना से लड़ाई बिहार में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन सीएम नीतीश कुमार करेंगे जी हाँ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से सोमवार यानी आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुभारम्भ होगा बड़ों की तरह बच्चों की कोरोना ऐसी लड़ाई के लिए किसी मॉडल बॉय को ढूंढा जा रहा है बड़ों के वैक्सीनेशन में सफाई कर्मी ऐसी बिहार में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी बच्चों में भी किसी सफाई कर्मी या फ्रंट लाइन वर्कर के बच्चों से अभियान की शुरुआत हो सकती है सुबह दस बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अभियान की शुरुआत करेंगे इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे साथ ही आपको बता दें कि पटना सहित राज्य के सभी जिलों में सेंटर तैयार किए जा रहे हैं पटना में शहरी क्षेत्र के छत्तीस और ग्रामीण क्षेत्र के इक्यावन सेंटर पर वैक्सीनेशन को लेकर डीएम के साथ सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक होगी अगली बड़ी खबर दरभंगा भागलपुर सहित इन शहरों की बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था जाम से मिलेगा छुटकारा बिहार में दरभंगा भागलपुर सहित लगभग एक दर्जन बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बदलने पर विचार किया जा रहा है इन शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य के एक दर्जन बड़े शहरों की ट्रैफिक समीक्षा की जा रही है इसमें शहर की आबादी गाड़ियों की क्षमता जाम लगने वाले इलाके पुलिस बल व आधारभूत संरचना आदि पर समीक्षा की जा रही है इन सबके अलावा सड़क शिक्षा पर भी जोर होगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके पहले चरम में प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों को चुना गया है इसके बाद अन्य शहरों का नंबर आया जा रहा है कि पिछले सप्ताह चपरा में समीक्षा बैठक की गई है इसके अलावा पटना गया भोजपुर सारण मुजफ्फरपुर बेगूसराय पूर्णिया भागलपुर मुंगेर व दरभंगा जैसे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा होगी अगली बड़ी खबर बिहार में अब कामगारों को मिलेगा पहचान पत्र मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे के बाद नीतीश सरकार ने लिया फैसला मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है अब फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कामगारों को हर हाल में परिचय पत्र मिलेगा कंपनी में सभी कामगारों का अलग से विवरण भी होगा ताकि कृत्रिम या प्राकृतिक हादसा होने पर उनकी पहचान आसानी से हो सके कामगारों के बारे में पूरी जानकारी अब फैक्ट्री संचालकों को सरकार को भी देनी होगी अगली बड़ी खबर बिहार में बदलेगी कोविड गाइडलाइन स्कूल बंद करने से लेकर नाइट कर्फ्यू आरोप जान लीजिए रणनीति या देश के तमाम हिस्सों के साथ बिहार में भी कोरोना के मामले रोजाना डेढ़ से दो गुना की रफ्तार से बढ़ने लगे हैं ऐसे हालात में राज्य सरकार पर सख्ती बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एडवाइजरी सभी राज्य सरकारों को जाहिर की है जिसके बाद कहीं स्कूल बंद करने तो कहीं नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा रहे हैं बिहार में संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि हालात तीसरी लहर जैसे हैं ऐसे में पूरी उम्मीद है कि राज्य में कोविड गाइडलाइन में शक्ति बढ़ सकती है पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसके संकेत भी दिए थे आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 5 जनवरी तक अनलॉक की पुरानी गाइडलाइन लागू है अगली बड़ी खबर देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर पंद्रह हुए कोरोना के सत्ताईस नए मामलों के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं एक्टिव केस यहाँ देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है रविवार को देश में कई नए केस सामने आए हैं जिनमें ओडिशा में तेईस और मध्य प्रदेश में एक मामला शामिल है। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर पंद्रह हो गए हैं। संक्रमण के ये मामले तेईस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 460 मामले हैं इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के तीन गुजरात में 136, तमिलनाडु में 117 और केरल में एक मामले हैं इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है साथ ही आपको बता दें कि देश में कोविड 19 के सताईस नए मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर राज्यसभा के चार सीटों पर जेडीयू की तरफ से आर को दोबारा मिल सकता है चांस मिसा भारती पर रिस्क नहीं लेंगी तेजस्वी ज दो बिहार से राज्यसभा के पांच सीटें खाली होने वाली है यह पांच सीटें बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगी खास तौर पर जेडीयू से एक मात्र केंद्र में मंत्री बने आर सिंह साल के जुलाई में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं तो वह लालू यादव की बड़ी बेटी मिसा भारती भी राज्य सभा रिटायर हो जाएगी भाजपा की तरफ से दो सीटें खाली होने वाली है इसमें गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे शामिल है वही जेड से किंग महेंद्र के निधन के बाद एक सीट पहले से खाली है इन पांच सीटों के लिए सभी दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी जाहिर सी बात है कि जो भी नेता रिटायर हो रहे हैं वह राजनीति में महत्वपूर्ण है और उनके दल के लिए खास है अगली बड़ी खबर बिहार में मिट्टी से ईट बनाने पर प्रतिबंध की तैयारी जी लगभग पूरे बिहार में मिट्टी से ईट के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है भारत सरकार के बाद अब बिहार सरकार की पहल की बारी है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है इसके तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के चारों ओर 300 किलोमीटर में मिट्टी से ऐट नहीं बनाए जा सकेंगे बिहार सरकार भी इसे लागू करने के बाद ताप बिजली घरों की स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि यह प्रतिबंध पूरे बिहार में लागू हो सकता है यानी राज्य के अधिकतर हिस्सों में ऐट भट्टों को बंद करना पड़ सकता है केवल फ्लाई एस यानी कोला से चलने वाले ताप बिजली घरों से निकलने वाले राख से ही ऐट का उत्पादन संभव होगा बड़ी खबर आईटीआई छात्रों के लिए खुशखबरी बिना परीक्षा दिए ही हो जाएंगे प्रमोट इस कारण लिया गया फैसला बिहार के पौने दो लाख आईटीआई छात्रों के लिए राहत की खबर है कोरोना के खतरे को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को बिना परीक्षा सीधे दूसरे वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया है डीजीटी की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है आपको बता दें कि सत्र 2020-22 के सभी प्रथम वर्ष के छात्र जो हाल ही में संपन्न हुए अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा के प्रैक्टिकल तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में पास है उन्हें फर्स्ट ईयर में पास घोषित कर सीधे सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है परमोड़ छात्रों के सेकेंड ईयर की कक्षाएं तीन जनवरी 2022 से शुरू होगी आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए नए कोरोना गाइडलाइन में किन चीजों में सबसे ज्यादा पाबंदी लगानी चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।